गजा में इसराइल हमास आर्जी जंग बंदी का आज आखिरी रोज। गुज़िश्ता रोज हमास ने मजीद 17 यरगमालियों को और इसराइल ने मजीद 39 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। हमास ने 14 इसराइली और 3 थाईलैंड के बाशिंदों को रिहा किया। इसराइल की कैद से रिहा होने वाले में 24 फलस्तीनी खवातीन और 15 बच्चे शामिल। गजा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, खवातीन का एक दूसरे को गले लगाकर खुशी का इजहार। 3 रोज में हमास 54 यरगमाली और इसराइल 117 फलस्तीनी कैदी रिहा कर चुका है। 187 इमदादी ट्रक भी गजा पहुंच गए। ट्रकों पर ईंधन, खुराक, पीने का पानी, तिब्बी सामान, अद्वियात और दीगर सामान लदा हुआ है। £190 मिलियन स्कैंडल, नैप की 3 टीमों की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में अलग अलग तफ्तीश। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 2.5 घंटे तफ्तीश की गई, केस की समाअत आज होगी। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। लाहौर समेत पंजाब के 6 अजला में 3 रोज की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे आज खुलेंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से 15 बैंकों में शुरू होगी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 अफराद सरकारी स्कीम के तहत हज करेंगे। मुकर्रर तादाद से ज़्यादा दरखास्तों की सूरत में कुरानदासी होगी। खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज कर सकेंगी। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 159 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वालदैन अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं और हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। निगरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने सैनेटर इसहाक डार को कायद-ए-अवान सैनेट नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैनेटर सलीम मांडीवाला सैनेट में चीफ वहब मुकर्रर। सलीम मांडीवाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार की बतौर कायद-ए-अवान नामजदगी पर एतराज़, कहा जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो कायद-ए-अवान इसहाक डार के बजाय किसी और सैनेटर को होना चाहिए। निगरा वज़ीर आज़म दो रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अनवारुल्हक काकड़ का अबू ज़हबी हवाई अड्डे पर इस्तकबाल। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में ताबुन और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। हमने पहले भी 10-12 साल की कोशिश की थी एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। अब हम नया पाकिस्तान की बात तो मैं नहीं करता, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक सियासतदान का साथ दिया, जो हो गया वो हो गया, हम इस मुल्क के हालात ठीक करेंगे, इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे। जहांगीर तरीन का कामुकी में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। अलीम खान की पीटीआई पर तनकीद, कहा इसके दोनों वज़राए आला नालायक और करप्ट थे। पंजाब में कोई डीसी और कमिश्नर पैसे के बगैर नहीं लगता था। मुल्क ने, मुमलिकत ने, रियासत ने, अगर उसने इख्तदार को पाकिस्तान के आवाम के हवाले नहीं किया तो पाकिस्तान का इख्तदार कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कराची की कयादत गलत लोगों के हाथ में दे दी। आवाम को बाइख्तियार ना किया गया तो फिर पाकिस्तान को कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। इस शहर का पानी बेचने वाले हुक्मरान हैं कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बिलावल की वजारत उज़्मा के रास्ते में उनके अपने लोगों ने बारूदी सुरंगें बिछा दी। देखते हैं सिंध पर पीपी की हुकूमत कैसे बनती है। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में भंडेरों का कब्जा खत्म करवाएंगे। कराची में दो रोज़ा अदब फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर हो गया। अदब दोस्त शख्सियात और फनकारों की शिरकत। महफिल मुशायरा में शोरा ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। किताबों की रोनुमाई, रोशन ख्याल मुबाहिसे और फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक मुख्तलिफ सेशंस भी हुए।
नारान में पहाड़ों पर बर्फबारी, झील सैफुलमलूक बर्फ से मुंजमद, सयाहों के मजे। हुंजा और गोपस में दर्ज हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी ठंड के डेरे, कलात में दर्ज हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी।